हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में हम कलर्स टीवी की मेजर न्यू चेंजेस, न्यू अपडेट्स, न्यू डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइज, जैसे ही बिग बॉस का सीजन 16 एंड होगा, उसके बाद कलर्स टीवी की प्रोग्रामिंग चेंजेस में बहुत नए चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, काफ़ी नए तरह के चेंजेस। तो आइए उनको जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल काफ़ी ज़्यादा चैनल्स जो फॉलो कर रहे हैं मंडे टू संडे वाला जो फॉर्मूला है, जी टीवी ने अभी रिसेंटली अप्लाई करा है, स्टार प्लस भी कर रहा है, और अब मैं आपको बता दूं कि कलर्स टीवी भी वही फार्मूला फॉलो करने जा रहा है। यानी कि उनके जो डेली फिक्शन वाले शोज़ हैं वो मंडे टू संडे आएंगे, हफ्ते के 7 दिन आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन से वो सीरियल्स होंगे जो कि आपको हफ्ते में 7 दिन देखने को मिलेंगे, मंडे टू संडे देखने को मिलेंगे। तो गाइज़, वो सीरियल्स होंगे साविक की सवारी, ससुराल सिमर का सीज़न 2, उड़ारियाँ, परिणीति, अग्नि साक्षी और जुनूनियत। तो गाइज़, ये वो सीरियल्स होंगे कलर्स टीवी के जो कि आपको हफ्ते के 7 के 7 दिन देखने को मिलेंगे, यानी कि जिन सीरियल्स को आप मंडे टू संडे इन्जॉय कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं एक्सेप्शंस कौन सी हैं, कौन से ऐसे सीरियल्स हैं जो कि आपको मंडे टू संडे देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो धर्मपत्नी, दूसरा जो सीरियल आपको नहीं देखने को मिलेगा वो है दुर्गा और चारू, तीसरा जो शो आप मंडे टू संडे नहीं देख पाएंगे वो तो है इश्क में घायल, जो कि नया सीरियल आ रहा है बिकॉज वो मंडे टू वेडनेसडे तक आएगा, हफ्ते में 3 दिन आएगा। चौथा शो है मोल की सीज़न 2, जिसको आप मंडे टू संडे नहीं देख पाएंगे बिकॉज वो थर्सडे टू संडे होने वाला है। तो ये कुछ, ये वाले जो दो नए शोज़ हैं इनमें कुछ अलग चीज़ है, वो ये है कि दोनों ही 9:30 बजे की टाइम स्लॉट पे आएंगे, मोल की सीज़न 2 और इश्क में घायल। लेकिन इश्क में घायल आएगा मंडे टू वेडनेसडे और बाकी के दिन आएगा थर्सडे टू संडे पे मोल की का सीज़न 2। तो गाइज़, ये कुछ शोज़ हैं जो कि आपको देखने को नहीं मिलेंगे मंडे टू संडे, यानी कि दुर्गा चारू हो गया और धर्मपत्नी, इश्क में घायल, मोल की 2, ये नहीं देखने को मिलेंगे। और बाकी जो भी कलर्स टीवी के सीरियल्स हैं अब सारे मंडे टू संडे आएंगे, हफ्ते के 7 के 7 दिन आएंगे। ये चीज़ इस करके है बिकॉज वो वाले जो सीरियल्स हैं अभी के लिए करेंटली कलर्स टीवी 9 या 10 बजे की टाइम स्लॉट पे कोई भी रियलिटी टीवी शो नहीं लेकर आ रहा अपने वीकेंड्स पर, और यही फार्मूला को ट्राई और टेस्ट करना चाहता है। और 8 बजे के टाइम स्लॉट पे स्टिल कलर्स टीवी का वीकेंड पे शो रहने ही वाला है, अभी नागिन 6 है, उसके बाद ब्यूटी एंड द बीस्ट आने वाला है। तो उस टाइम वाले जो शोज़ हैं जैसे कि धर्मपत्नी और दुर्गा और चारू, तो ये दोनों शोज़ मंडे टू संडे इसी करके नहीं हो सकते। और जो बाकी दो शोज़ एक्सेप्शन वाले हैं उनका रीज़न आपको बता ही दिया है। तो गाइज़, ये जो कलर्स टीवी की नई स्ट्रैटेजी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप इसके साथ खुश हैं या फिर नहीं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कलर्स के फैंस के साथ। कलर्स टीवी की अपकमिंग बहुत और भी न्यूज़ होने वाली है बिकॉज ये चैनल इतने ज़्यादा चेंजेस कर रहा है, इतने ज़्यादा नए शोज़ लेकर आ रहा है, इतने पुराने शोज़ ऑफर कर रहा है, बहुत चेंजेस वगैरह कलर्स टीवी पे आते ही रहने हैं, और ये चीज़ मैं आपको काफ़ी महीनों से ही कह रहा हूँ। तो कलर्स टीवी की सारी अपकमिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।